हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे वीडियो पे, जिन लोगों की वीडियो पे 100-200 व्यूज आके रुक जाते हैं, जैसे 10 व्यूज आ गए या 20 व्यूज आ गए, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों को सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसके हम सही तरीका आज बताएंगे कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए हम अपने मोबाइल पर करके दिखाते हैं आपको कैसे सही तरीका होता है वीडियो अपलोड करने का। जैसे कि हम वीडियो को यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोलने के बाद में वीडियो हमारी पहले से ऑलरेडी बनी हुई होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे कुछ लोग तो हैं कि डायरेक्ट ही वीडियो को बना के सीधा अपलोड कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले जो प्लस वाला आइकन होता है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो क्रिएट शॉर्ट होता है उस पर नहीं करेंगे, अपलोड अ वीडियो करेंगे। अपलोड अ वीडियो करने के बाद में इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है ना वीडियो की, पूरी जितनी अगर हमने अच्छी क्वालिटी बनी हुई तो हमारी पूरी क्वालिटी वही आएगी, अगर शॉर्ट से करते हैं तो उसमें नहीं आती है। तो जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास एक वीडियो पड़ी, हम इसी को करते हैं अपलोड, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर इसमें सॉन्ग लगाना है तो सॉन्ग का तरीका होता है ऐड सॉन्ग के लिए, जो भी मर्जी आप लगा सकते हैं। अगर ओरिजिनल वॉइस है तो आप ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा रहा हूँ एक सॉन्ग। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों हम इसमें जो टाइटल भरेंगे, टाइटल मेन होता है। जैसे कि उस समय पर अगर हम ले सकते हैं, जैसे कोई हॉट टॉपिक है या उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमारी वीडियो की सर्च में ज़्यादा जाएगी। जैसे इसमें हम बनाते हैं कि हाउ वायरल शॉर्ट वीडियो। टाइटल बनने के बाद इसमें हम हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग में जैसे कंपलसरी होता है शॉर्ट्स डाल दें, या YT शॉर्ट्स हो जाएगा, या एक वायरल वीडियो। इसके करने के बाद में फर्स्ट इसमें क्या होता है, उसके बाद में अपलोड करेंगे। जब अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह भरना होता है और टाइटल वगैरह, तो उसके लिए हम अनलिस्ट करके करेंगे, या प्राइवेट करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में वीडियो को सीधा अपलोड कर देंगे। ऐसी वीडियो हमारी अपलोड होती है, उसके बाद में हम सीधा अपलोड होने के बाद में हम जाएंगे YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में क्या करेंगे कि YT स्टूडियो ओपन करने के बाद में जो हमारी वीडियो है ना, उसको हम दोबारा से उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, टैग, हैशटैग वगैरह सारे भर पाएंगे। हैशटैग भरने के बाद में जैसे वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, हमारी ये अपलोड होके आ गई है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे, इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में इसका जो टाइटल है वो हम सिलेक्ट करके पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में करने के बाद में इसमें @ लगा के हम अपना चैनल का जो भी हमारा नाम होता है उसे हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में इसके टाइटल में हम जो भी भरेंगे, जैसे कि वीडियो से रिलेटिव जो भी है, मान लें हाउ टू वायरल वीडियो शॉर्ट, और कैसे वीडियो वायरल करें, और वीडियो से रिलेटिव कम से कम 4 या 5 हैशटैग लगा देंगे इसमें। डिस्क्रिप्शन करने के बाद में फिर हम इसे पब्लिक करेंगे। पब्लिक करने के बाद में हम इसमें लास्ट टाइम जो हमारा काम बचता है वो है हमारा हैशटैग का। हैशटैग में जैसे YT शॉर्ट, शॉर्ट वीडियो, वायरल वीडियो, इस टाइप से हम भर देंगे। जैसे कम से कम 5 तो कर ही सकते हैं। 5 करने के बाद में सीधा वीडियो को हम सेव करके पब्लिक कर देंगे। पब्लिक करने के बाद ये होता है हमारा सही तरीका वीडियो अपलोड करने का। अगर इस हिसाब से करेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा से चांसेस रहते हैं कि शॉर्ट फीड में जाके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज ला पाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू सर।